नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल क्विक स्टडी विद एसके में। बीएड प्रवेश परीक्षा से लेकर एक नए न्यूज़, आइए देखते हैं कि क्या है पूरी खबर। लखनऊ विश्वविद्यालय, लॉकडाउन के दिन कैसे होगी बीएड की प्रवेश परीक्षा। विश्वविद्यालय प्रशासन ने लिखा शासन को पत्र, कहा पास के रूप में मान किए जाएँ अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र। आज से जारी होने हैं प्रवेश पत्र, ठीक है। 73 जनपदों में यह परीक्षा होनी है, जिसमें से 189 केंद्र बनाए गए हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2020 के आयोजन पर संकट के बाद छटने का नाम नहीं ले रहे। कोरोना संक्रमण के चलते बीएड प्रवेश परीक्षा का आयोजन पहले ही 2 बार टाला जा चुका है। प्रवेश परीक्षा का आयोजन इस बार 9 अगस्त को होना है। तारीख तय होने के बाद राज्य सरकार ने शनिवार और रविवार के दिन लॉकडाउन घोषित किया है। 9 अगस्त को रविवार है, यानी लॉकडाउन के दिन ही परीक्षा होनी है। लखनऊ विश्वविद्यालय ने इसको लेकर शासन को पत्र भी भेजा है। बीएड प्रवेश की राज्य समन्वयक प्रोफेसर अमिता वाजपेयी ने बताया कि प्रवेश परीक्षा के दिन किसी परीक्षार्थी को ना परेशानी हो, इसलिए पत्र लिखा गया है। पत्र में अनुरोध किया गया है कि परीक्षा के दिन आवागमन की दिक्कत ना हो, इसकी व्यवस्था की जाए। बीएड प्रवेश परीक्षा के प्रवेश पत्र को ही पास के रूप में मान किया जाए। अभी तक इस संबंध में कोई आदेश जारी नहीं हुआ, इसलिए दूसरा पत्र भी भेजा जा रहा है। लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित बीएड प्रवेश परीक्षा के माध्यम से प्रदेश भर के बीएड कॉलेज में दाखिल होने हैं। बीएड में इस साल करीब 2 लाख सीटें हैं, इसलिए करीब 4,31,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। तो यह थी आज की न्यूज़। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए नमस्कार सर।